मित्रों, आज महान स्वतंत्र सेनानी पिंगाली वेंकैया जी का 146वीं जन्म जयंती है। आज वो व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने हमारी आन बान शान देश की निशान तिरंगा को बनाने का काम किया, उसको लोगों के बीच में प्रस्थापित करने का काम। ये वही तिरंगा है जिसकी कसम खाकर सीमा पर देश का जवान अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। यही तिरंगा है जिसको देखकर देश के करोड़ों किसान धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और यही तिरंगा है जो हर व्यक्ति के, हर नागरिक के दिल में देश का निशान बनकर प्रस्थापित हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने निर्धारित किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। देखने में तो सीधा साधा कार्यक्रम है, हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए, हर भारतीय को गौरव होगा, इसमें क्या नई बात है। कई लोगों ने इसके लिए अलग अलग टिप्पणियां भी की है, मगर मैं कोई राजनीतिक जवाब देने पर यहां नहीं आया। यहां जो लोग उपस्थित है, जो भाई बहन उपस्थित है और दूरदर्शन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक दिन की कल्पना कर दीजिए जब देश के 20 करोड़ घरों पर अपना तिरंगा शान के साथ लहरा रहा हो, उसकी कल्पना कर दीजिए। वो कल्पना करते ही इस कार्यक्रम का महत्व, आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व हमारे दिलों दिमाग के अंदर सजीवन हो जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, इसके पीछे उनके तीन उद्देश्य, अनेक नामी गिरामी, अनेक अनामी स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। कई साल हो गए, कई लोग आजादी के बाद जन्मे, कई लोग आजादी के 50 साल के बाद जन्मे, आज सबको इनकी कोई याद नहीं है, ना उनकी पहचान है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से वेंकैया जी जैसे आजादी के लड़ाकों का, आजादी के वीर नायकों की कथा बच्चा बच्चा, युवा युवा जाने, इसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का हमने निर्णय किया। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का यह आजादी का जंग, जिसमें लाखों लाखों लोगों ने इस महान देश को अंग्रेजों की चुंगाल से मुक्त कराने के लिए, भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, उन सभी शहीदों को और स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का ये आजादी का अमृत महोत्सव एक माध्यम बन रहा है। बच्चा बच्चा, हर किशोर, हर युवा अपने जीवन पर्यंत आजादी की लड़ाई को याद करेगा और हमारे देश को मुक्त कराने के लिए
कितने महान बलिदान दिए गए उसको याद कर वो अपने अंदर देशभक्ति के संस्कार को जागृत करेगा। पूरे साल तक इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हुई। उसका दूसरा मकसद है आजादी के इस 75 साल में देश ने हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है और वो उपलब्धियों को जन जन तक ले जाना, दुनिया के अंदर पहुंचाना और हमारी लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हो गई है इसका परिचय भी देश और दुनिया को कराना। और तीसरा लक्ष्य है आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक 25 साल का एक कालखंड, 15 अगस्त 2047 तक का कालखंड, ये संकल्प का कालखंड है। हर नागरिक ने 2047 में भारत कैसा होगा, हर क्षेत्र के अंदर कैसा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में कैसा होगा, दूरसंचार के क्षेत्र में कैसा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा होगा, हमारी संस्कृति की यात्रा को 47 में हम कहां तक पहुंचाएंगे, हर क्षेत्र में भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने का ये वर्ष है मित्र। और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में लिए गए इस संकल्पों को आजादी के अमृत काल में 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक 25 साल के अंदर हम सब भारतीय इकट्ठा होकर ये सारे संकल्पों को अगर पूरा करते हैं तो भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। इस संकल्पना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का हम प्रारंभ कर रहे हैं, मना रहे हैं और एक घर घर तिरंगा पूरी दुनिया में एक संदेश है कि भारत का हर नागरिक हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुसार, हमारे संविधान की कल्पना के अनुसार, हमारे संविधान की अपेक्षा के अनुसार एकजुट होकर भारत के विकास, भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर 25 साल तक काम करने वाला है। इसका परिचायक ये घर घर तिरंगा का है। मित्रों, आज मैं यहां पर तिरंगा गीत का भी सार्वजनिक रूप से पहली बार लॉन्चिंग हुआ, पिंगाली जी के परिवारजनों का सम्मान हुआ, हजारों हजारों युवा हाथ में तिरंगा लेकर यहां पर खड़े हैं। इस मौके पर मैं देश के सभी युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं कि युवाओं, ये जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है वो आपका कार्यक्रम है, क्योंकि भारत का भविष्य आपके लिए है। हर घर पर तिरंगा लगे, भारत का किशोर, भारत का युवा, भारत की किशोरी ये तय करे, तिरंगे के साथ सेल्फी ले और हरघरतिरंगा.com पर वो सेल्फी को अपलोड कर भारत की मजबूती में अपना योगदान दे। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज से लेकर 13 तारीख तक सभी लोग हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को प्रचार कर घर घर तिरंगा लगाने के लिए लगाएंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलिए, सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे क्या? मित्रों, ये प्रयास महान भारत की रचना का एक बार फिर से शुभारंभ करने वाला है। मित्रों, ये तिरंगा के लिए आज हम यहां पर एकत्रित आए हैं। हमने कभी भी तिरंगा की रचना की प्रक्रिया को नहीं भूलना चाहिए और जब तिरंगा की रचना, इसकी प्रक्रिया और संविधान सभा के द्वारा इसकी स्वीकृति
ये यात्रा को अगर हम समझते हैं तो पिंगाली वेंकैया जी को याद करे बगैर नहीं रह सकते। ये महान तेलुगु राष्ट्र सेवक ने, तेलुगु स्वतंत्रता सेनानी ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं को, उमंगों को, उनकी श्रद्धा को तीन कलर के अंदर, तीन रंगों के अंदर समाहित करकर, बीच में धर्म चक्र को स्थापित करकर पूरे भारत को एक करने का काम हमारे पिंगाली वेंकैया जी ने किया है। मैं आज समग्र कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पिंगाली वेंकैया जी को सत सत नमन करकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये महापुरुष अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर इतना लंबा जीवन जिए, सादगी के साथ, प्रसिद्धि के बगैर, कोई पद की प्राप्ति करे बगैर अपने आप को एक मूक राष्ट्र सेवक के रूप में उन्होंने राष्ट्र के सामने रखा। और जब देश ने तिरंगे को स्वीकार किया तब यही तिरंगा हमारी देश की आन बान और शान बना। मित्रों, राष्ट्रध्वज की यात्रा 7 अगस्त 1906 से शुरू हुई। पहली बार राष्ट्रध्वज पारसी बागान चौक कलकत्ता में अंग्रेजों की खिलाफत के लिए फहराया गया, यूनियन जैक के विरोध में फहराया गया। उसके बाद भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जर्मनी में तिरंगा लहराया। उसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन में नए प्रकार के तिरंगे की कल्पना की। 1921 में महात्मा गांधी ने श्री पिंगाली वेंकैया जी को नया राष्ट्रध्वज डिजाइन करने का काम किया। बीच में सुभाष बाबू ने भी 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में आजादी की पहली पैर, आजाद हिंदुस्तान पर पहला पैर रखने का काम महान स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष बाबू ने किया और वहां पर भी उन्होंने तिरंगे को फहराया था। मित्रों, आज भगवा कलर जो त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक, हरा कलर जो समृद्धि का प्रतीक, और सफेद जो शांति और एकता का प्रतीक है, और बीच में धर्म चक्र की 24 कंडिकाएं जो बनाई हैं वो भारत के एके का प्रतीक है। मित्रों, ये महान राष्ट्रध्वज की जो कल्पना की गई, आज पूरा दुनिया भारत को और भारत के राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ देख रहा है। 2014 से लेकर 2022 में पूरी दुनिया में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। और ये दिन देखने के लिए ही तो लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। एक ऐसे भारत की रचना जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने अतीत पर गौरव करता हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने भविष्य के लिए न केवल आश्वस्त हो, अपने भविष्य की रूपरेखा वो भारत के युवा के दिमाग में स्पष्ट हो, इंगित हो, ऐसे भारत की रचना, नए भारत की रचना मोदी जी के सामने हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी की कल्पना के अनुसार हो रही है। और मित्रों, मोदी जी ने यहां पर
एक कार्यक्रम दिया है, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम। आज उन्होंने आह्वान किया है कि हर भारतीय नागरिक ने अपनी डीपी पर तिरंगे का चिन्ह लगाना। अपना चेहरा चमकाने के तो बहुत सारे दिन है मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा चमकाने का दिन है। मैं देश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने डीपी का परिचय बदल दीजिए, ये महान तिरंगे को वहां पर रख दीजिए, लाखों लाखों स्वतंत्र सेनानी और हमारे फौज के जवानों ने जो आहुति दी है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिलेगा। और मित्रों 13, 14, 15 हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए और दुनिया को परिचय दे कि भारत नींद से उठकर आगे बढ़ने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत महान बनने के रास्ते पर प्रशस्त हो चुका है। मित्रों ये कल्पना जो मोदी जी ने की है मैं तो इसको भली भांति समझता हूं। हर किशोर के मन में, हर युवा के मन में एक बार अगर राष्ट्रभक्ति का संस्कार जागृत होता है तो वो देश की कितनी बड़ी ताकत बन जाता है। हर क्षेत्र के अंदर देश को महान बनाने का ये ऊर्जा प्रदान करता है। मित्रों आइए हम सब मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव को मन के साथ मनाएं और इसके साथ साथ 13, 14, 15 अगस्त 2022 को हर घर पर तिरंगा फहराकर अपनी सेल्फी लेकर फोटो लेकर अपनी जो तय की है हर घर तिरंगा इसको टैग करें और अपने फोटो को काउंट के अंदर डाल दें। मैं आशा करता हूं कि आज महान वेंकैया जी ने जिस तिरंगे का डिजाइन किया है करोड़ों करोड़ों भारतीय 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराकर वेंकैया जी को भी श्रद्धांजलि देंगे और देश भर के शहीद को भी श्रद्धांजलि देंगे। यही अभ्यर्थना के साथ, यही अपील के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से गगनभेदी नाद के साथ मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।